हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y56 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज इस सेटिंग को आप ना इनेबल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग जो है ना इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। नोटिफिकेशन के इस पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा ये होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज का, ठीक है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी ये पेज ओपन होगा आपका होम स्क्रीन ऐप आइकन बैच का। इसमें आपका सबसे नीचे तीसरे ऑप्शन पर टिक मार्क लगा होगा, यानी कि सिलेक्टेड होगा डू नॉट डिस्प्ले पर, यानी कि आपकी सेटिंग ना पहले से डिसेबल होगी, ठीक है। अब यहां पर आपको जो है ना करना क्या है, ऊपर इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको ऊपर की साइड में दो ऑप्शन दे रखे हैं, डॉट और ये नंबर का। इन दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है तो आपकी सेटिंग आपकी इनेबल हो जाएगी होम स्क्रीन ऐप आइकन बैच, ठीक है। अब यहां पर मैं इसे डॉट पर सिलेक्ट कर लेता हूं, तो इससे देखिए ये सेटिंग आपकी इनेबल हो जाएगी। अभी सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपके मोबाइल फोन पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ना, जिस ऐप का नोटिफिकेशन आएगा उस ऐप के ऊपर आपको डॉट लगा हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पे डॉट लगा हुआ दिखाई दे रहा है इन ऐप्स के ऊपर, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करेगी इनेबल होने के बाद, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना इस सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ना फिर से ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग पेज को चलिए फिर से ओपन कर लेते हैं। सेटिंग पेज में आपको ना सबसे ऊपर ये ऑप्शन दिखाई देगा आपको सर्च आइकन, सर्च आइकन पे आपको इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सेटिंग का नेम, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है आपको यहां पर टाइप कर देना है इस तरीके से, होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है सेटिंग का नेम टाइप करता हूँ, तो देखिए नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो गया होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में आपको लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।